अहमदाबाद के मंडी समिति चौकी से चंद कदमों की दूरी पर गोवंश अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों के लोगों में जबरदस्त आक्रोश हो गया है। बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के अलावा भाजपा नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। भाजपा नेता दिनेश सिसोदिया ने कहा कि पुलिस की मिलीभगत से इलाके में गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इससे कभी भी शहर का माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले भी चौकी से करीब 100 मीटर की दूरी पर गोवंश के अवशेष मिले थे, उस वक्त भी हंगामा किया गया था। शहर विधायक भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया था, मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि 15 दिन के अंदर फिर गोवंश के अवशेष मिले हैं। भैया पिछले 10-15 दिन पहले भी मंडी समिति में कुछ गोवंश को काट कर फेंक दिया गया था, उनके अवशेष यहाँ पर मिले थे। और उसके बाद हमने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने हमें आश्वासन दे दिया था कि सभी मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, परंतु उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज 15 दिन बाद ही मंडी समिति में अभी गौ को काटते हुए उसके यानी कि कुछ अवशेष हो पूरी गाय है जो मंडी समिति में कटी हुई है और जगह जगह पर उसके अवशेष पड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ गया है और वो फिर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए पुलिस बल अधिक मात्रा में यहाँ पर तैनात हुआ है। और हमें फिर से आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, ये पर इस बार जो है हम थोड़ा विरोध प्रदर्शन अपना बढ़िया करके करेंगे, जिससे कि प्रशासन को और शासन को पता चल जाए कि ये जो गौकशी के मामले हो रहे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।